किसान नेता सुरेश कोथ अभी हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की तैयारियां, किसानों का जो आंदोलन होना है, किसानों का जो प्रदर्शन कुछ ही घंटों के बाद होना है उसको लेकर किस प्रकार की हुआ है। प्रधान साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि दो दिन से ये सुनने को मिल रहा था कि प्रशासन और किसानों के बीच में वार्ता जारी है, क्या रहा आपकी सुनवाई, आपकी पूछ नहीं की? देखिए, हमने दो ही मांग रखी, तीसरी हमारी कोई मांग ही नहीं थी, बड़ी सोच समझ के रखी और बिल्कुल पॉजिटिव नजरिए, सकारात्मक जिसने बोला उसके नजरिए से रखी कि हमें इस मामले को लंबा खींचना ही नहीं चाहते जी। हमारे खिलाफ जो FIR है वो निरस्त करो और जिस व्यक्ति ने हमारे साथी को चोट मार के मौत और जिंदगी के बीच में भेज दिया उसके खिलाफ कार्रवाई करो। सिर्फ दो ही तो बातें थी। अब कल से हमारी दोनों के बातों के बारे में पुलिस के भाई यही हैं। एक दो बार हमारी बातें भी चली कुछ मुख्य आदमियों को बुला करके। शरफ है हमारे से वो बात पूछ ली जाती है, हम कहते हैं हमारी ये मांग है, उसके बाद कहते हैं हम ऊपर बात करेंगे। कोई ठोस जवाब अब तक दो दिन से कोई ठोस जवाब नहीं है। मतलब आप लोगों को कुछ मान ही नहीं रहे हैं? वो तो चलो ये नहीं मान रहे या सरकार नहीं मान रही वो उसके हम हो भी कुछ नहीं, मगर हमारी मांग ठोस है, हमें तो मानने ना माने मगर ये मांग हमारी नहीं है, समाज की मांग है और समाज से बड़ा कुछ नहीं है। हमने मांगा क्या है कि दोषी व्यक्ति है ना उसके खिलाफ FIR करो, बस इतनी तो बात। एक बार आपको रोकना चाहूंगा, सभी दर्शकों को हम बता दें कि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा नारनौंद के अंदर आए थे और जैसे ही ये बात किसानों को पता चली तो वो काले झंडे लेकर उनका विरोध करने के लिए निकल पड़े थे, तो उस दौरान पुलिस की तरफ से दो किसानों को हिरासत में लिया गया था, उनके ऊपर मामले दर्ज किए गए और FIR के अंदर तीन लोगों के बाय नेम नाम है और 60 अन्य है। अब किसानों की जो दो मुख्य मांगे हैं वो कि ये FIR कैंसिल होनी चाहिए और दूसरी जो मांग है वो राज्यसभा सांसद के जो सहयोगी थे जिन्होंने एक किसान को गंभीर रूप से घायल करके अभी भी हॉस्पिटल के अंदर उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये दो मुख्य मांगे हैं। प्रधान साहब, अगर हम इन दोनों मांगों की बात करें तो उनका कहना कि ये गए क्यों, जब आपको ये कह दिया था कि आपने विरोध नहीं करना, आपने गाड़ियां तोड़ी, आपने शीशे तोड़े, किसी की जान से खिलवाड़ तक करने के आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं? आरोप लगाने में तो हमारे को खालिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, बिरयानी के नाम दे लिए इनने, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का अपने प्रजातांत्रिक अधिकार के तहत हमारी जब वो जिसलिए हमने वो चुन के भेजे थे वो कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, इसलिए पूरे SKM ने कह रखा है कि बीजेपी JJP नेताओं का कहीं पर जब आएंगे हम विरोध करेंगे। उन्होंने ये भी कह रखा कि शीशे तोड़ो, किसी की जान से खिलवाड़ करो। ये यार तो मेरे मुंह में तेरे शब्द क्यों बाढ़ लग रहे हैं, हम कानून के दायरे की बात करते हैं, अगर कहीं धक्का मुक्की में कोई चीज हो जाए तो उसमें वो हमारी कोई मंशा थोड़ी है, हमारी कोई मंशा नहीं है, हम कानून के दायरे के अंदर उनका विरोध की बात करते हैं, ठीक है ना। और उसके बावजूद सोचना शर्म तो उन लोगों ने आनी चाहिए ना कि हाँ जनता विरोध कर रही है, चुने हुए प्रतिनिधियों का विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद वो जनता को उकसाने के लिए आ रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि वो मोदी के पास इकट्ठे होकर के जाएं और जाके कहें हमारे प्रदेश की जनता और इन मुद्दों के ऊपर हमारा इतना विरोध कर रही है कि इनकी बात सुनिए। वो तो ये कहते हैं कि मोदी से अच्छा कोई किसानों का भला कर ही नहीं सकता, आपको किसान ही नहीं मानते वो। भाई मैं खेती करूँ, मैंने खेती करनी है ना, मैंने सुनिया था किसान क्या करें, अगर खेती करनी है कोई और नाम होगा तो मैंने मेरा को नहीं, वो मोदी बता दे या मोदी के वो भगत बता दे, हम कौन है फिर? आप खेती करते हैं, रामचंद्र जांगड़ा ने ये कहा है कि मैंने माँ का दूध पिया है, ऐसे ही जाऊँगा। माँ का दूध तो सबने पिया, अच्छी बात है, माँ का दूध पीना कौन सा बुरी बात है, पी ले, अब भी पी ले, हमें को उस बात से कोई थोड़ा इतराज है, हमें इतराज इस बात से है कि संयुक्त मोर्चा ने कह रखा है मेरे भाइयों चाहे हमारी प्रार्थना समझ लो या हमारा विरोध समझ लो,
जब तक आपने हमारे हमने आपको चुन के इसलिए भेजा था हरियाणा के किसान ने, अगर हरियाणा के किसान ने कहीं जरूरत पड़े तो आप किसान के साथ खड़े होंगे। आपका विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि आपके आप किसानों से विश्वासघात कर रहे हैं, आप कर्तव्य का सही निर्वाह नहीं कर रहे, इसलिए हम आपका विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते आपका विरोध कर रहे हैं। आप मोदी के पास जाइए ना, क्यों हमारी क्यों दुरुक्ति करवा रखी यार, लेना एक ना देने दो, खेत के बीच को भी लेकिन खेती है कानून बनाने लग गया। आप लोगों ने रोहतक के जो पूर्व मंत्री हैं मनीष ग्रोवर उनको भी बंधक बनाए रखा, ये कहां तक जायज है? अरे मैं हमने यूं कह रहा कि यार बीजेपी के सारे नेताओं का बंधक नहीं बनाए यार, वो गांव में चला गया। हमने कहा बड़े के लेना, जब हमने कहा विरोध करांगे वो कहता जाने दो, जाने दो तो इस बात की गलती मान को समाज को बांटने के लिए आया है, तो समाज में दवेश फैलाने के लिए आया, कहता गलती नहीं मानने को, गलती नहीं मानने का हम गेट में बैठ गए, उसने गलती मान ली भाई मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा तो चला जा भाई। तो खा लिए लड्डू। आपको पता है रोहतक से जो सांसद हैं उन्होंने क्या बयान दिया है कि अगर आगे से कोई मनीष ग्रोवर की तरफ आँख उठाकर देखे भी गा तो उसकी आँखें नोच ली जाएंगी और अगर किसी ने उंगली की तो आगे से हाथ कट जाएगा। प्रधान साहब जो आपके हाथ बार बार चल रहे हैं ना, जरा सोच संभल के। कोई बात नहीं भाई, तकड़ा भाई है काट देगा, सांसद बन रहा है तकड़ा है, जनता ने हाथ काटन खतर चुन रखा है। अरे मेरे भाई तने इतना एक अंग काटन का शौक है तो कोई दुकान कर ले और वो सौदा बेच ले जो हाँ लोग खाया करें, सांसद की क्या जरूरत है फिर, काटे काट ले जाएगा कड़िया। ये कौन सा तरीका है यार, आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर हैं, आपकी हर लैंग्वेज का कोई आप मवाली गुंडा कोई शब्द बोल रहे तो हम मानते हैं कम पढ़ा लिखा होगा। आप सांसद हैं और आपकी लैंग्वेज एक गली के गुंडे की है, शर्म कम करनी चाहिए उस आदमी को, डूब के मरना चाहिए। हाथ काट लूंगा का आंख निकाल लूंगा, अगर गुंडा की गर्दी करनी है इस्तीफा दे के आ मैदान में। हम आपकी इज्जत इसलिए करते हैं कि आप सबसे बड़े देश की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर हैं, वरना ये भाषा हम भी बोल सकते हैं, ये निंदनीय भाषा है। वो उकसा करके जनता के अंदर जो भ्रम फैला रहा है ना, वो चलने वाला नहीं है। प्रधान साहब, नारोन की घटना हो या फिर अलग अलग जगहों की घटना हो, एक बात सबसे ज़्यादा प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है कि ये एक विशेष समुदाय के लोग हैं और उसमें आप कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? हम तो यार बात सुनो, मारा तो ब्याह में भी मुकदमा सोचते हैं लोग। अरे खेतिया हमें करा, हाँ नुकसान हमारा होने लग रहा है, कंपनी राज हमारे ऊपर लागू होने लग रहा है, हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाओगा? क्या इंग्लैंड वाले आओगे, ऑस्ट्रेलिया वाले आओगे, उसमें भी जाति ढूंढ ली, उसमें भी धर्म ढूंढ लिए भाई। हमारे ऊपर कोई टैग लाओ, हमारे को कोई खालिस्तानी बताओ, हमारे को कोई उग्रवादी बताओ, हमारी फसल और नस्ल की लड़ाई है। ये आंदोलन सच्चाई में ना किसी एक जाति का है, ना किसी एक धर्म का है, ना किसी स्टेट का है, ना किसी एक, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ एक वर्ग का भी नहीं है। असेंशियल अकोमोडिटी एक्ट तो पूरी प्रजा पे लागू होता है, पूरी जनता पे लागू होता है, वो उपभोक्ता के लिए लागू होता है। हमारे लिए तो उसमें सिर्फ इतना एतराज है कि एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को तोड़ करके वो प्राइवेट हाथों में स्टोरेज दे रहे हैं, और अगर प्राइवेट हाथों में स्टोरेज जाएगा तो 20 रुपए किलो की चीज वो आदमी 200 रुपए किलो बेचेगा। हमारी तो ये है कि हमारी अगर एफसीआई टूट गई तो हमारी खरीदों के ऊपर प्राइवेट लोगों का कब्जा हो जाए। प्रधान साहब, प्रधान साहब, जिस मांग को लेकर आप नारोन थाने में पक्का मोर्चा लगाए हुए हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नारोन थाने की, जहाँ पर किसान पिछले कई दिनों से नारोन थाने में डटे हुए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां है? क्या वहां पर भी सिर्फ दावे होंगे या कुछ भीड़ नजर आएगी? क्यों, कल यहां भीड़ नहीं थी? कल यहां भीड़ नहीं थी क्या? आप अगर उसको कल वाली भीड़ को भीड़ नहीं मानो, थाने के लायक तो थी मेरे संग, और कल हम एसपी को घेर रहे हैं, वो उस लायक भी भीड़ होगी। रही भीड़ की बात एक मैं आपको और बता दूं, भीड़ तो हमारे साथ है, इस लगातार आंदोलन में थी, मगर सच्चाई ये भी है कि आंदोलन इरादों से जीते जाते हैं, ये भी याद रखना। एक साल से हम बैठे हैं, हमारा किसी साथी का इरादा कमजोर पड़ा हो, हमारे किसी साथी की जबान टैली हो, हमारे किसी साथी ने कोई गलत एक्शन लिया हो,
हम उसी कमिटमेंट के साथ हैं जिसके साथ पहले थे। बिल्कुल, जिसके साथ पहले थे, बस राजनीति चमकाई है उसका फायदा हुआ है। वो आप कह सकते हैं, हम नहीं कहते। हमारे साथ खापों के प्रवक्ता फुलकुमार पेटवाड़ भी मौजूद है। फुलकुमार जी, धोती खिंडका और कहीं ना कहीं बनावट रूप में आए हैं, आंदोलन कम लग रहा है, कहीं शादी में जा रहे हैं? ऐसा है, ये तो एक कुंगड़ मन पंचायत में जाना था। हेलो, इसलिए जब भी हम कोई बड़ी पंचायतों में जाते हैं तो खिंडका और धोती खाप पंचायतों का पहनावा है, इसलिए पहन के आए थे। परंतु हमारे घर में ही जब आग लगी हुई है तो हम वहाँ नहीं जा सके, क्योंकि एक बहुत निकम्मा आदमी कहूँगा मैं, राज्यसभा सांसद रामचंद्र, जिसने यहाँ 3 दिन पहले आकर के हमारे विरोध के बावजूद एक हमारे नौजवान साथी पर उसकी गाड़ी में से उतर करके किसी व्यक्ति ने उसका सिर में जब बट मारा है, और वो आज बचा हमारा बच्चा जिंदगी और मौत के साथ आज जिंदल हॉस्पिटल में दाखिल है, तो उसका विरोध में आज हमारी 3 दिन से पंचायत चल रही है। कल कितनी भीड़ हो सकती है? कल तो मैं ये कहूँगा, जो 24 तारीख को जब हिसार में जो भीड़ थी उससे मैं ये कहना चाहूँगा उससे ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि पूरे हरियाणा के लोग वहाँ आएंगे और हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चे के साथी हैं वो भी वहाँ पहुँचेंगे। वो भी वहाँ पहुँचेंगे। रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। रमेश जी, लगातार आप पल पल पे नज़र आप बनाए हुए हैं, क्या लगता है बारह खाप का योगदान कैसा रहे? बारह खाप पहले भी पूरी तत्पर योगदान में थी और अब भी आप देख रहे हैं कि बारह खाप की ज़बरदस्त भीड़ है और कल की तैयारी है। पूरे गांव के हर गांव में मुनादी करा दी गई, हर गांव में जिम्मेवारी लगा दी गई है, हर गांव से ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ पूरे काफिले के साथ पूरी बारह खाप निकलेगी। युवाओं की बात करें या महिलाओं की बात करें, उनकी संख्या कैसी रहेगी? पूरी महिलाओं की पूरी संख्या रहेगी और युवा भी पूरे तत्पर डटकर जोश के साथ आएंगे। प्रधान साहब, क्या लगता है मांगे पूरी होंगी? वो तो कल ही पता लगेगा, मांगे मानते हैं या नहीं मानते। मानना ठीक है, नहीं फिर आगे फिर आंदोलन चलेगा। और के को मोदी सरकार ने किसानों के लिए फायदा कर दिया, फायदा कर किसानों के तो डंडे मारने आ रहे हैं, कुआं खाद बाबत, कुआं पेट्रोल बाबत, कुआं डीजल बाबत, या दुगुने कड़त करेगी तो डंडे मार रहे हैं मुझसे। कुआं को आंदोलन कर रहे हैं उनके डंडे मारे हैं, को खाद रहे उसका डंडे मारा है, को फसल बेचने जाओ उसका डंडे मारा है। बिल्कुल, आपको रुकना चाहूँगा प्रधान साहब, एक बात और जाते जाते बताइए, बाबूजी भी हमारे साथ मौजूद है। ठीक एक महीना बचा है, उसके बाद आपकी आय दुगनी होने जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था। ओ कद करया था, 2022 में आय दुगनी होगी, कड़ी कितिया को नहीं होगी, यू नरी झूठ बोलता है जी। इससे झूठा प्रधानमंत्री नहीं, हम तो आज ये वादा करते हैं, हमारी जनस आज ले लो और 2022 में हमने दुगनी आय के वो दे दियो, चेक दे दो। अब हम ये कहते हैं हमारी जीरी है, हमारा बाजरा आज वो खरीद ले, और 2022 में जब दुगुनी कहता है दुगुनी की हमें आज चेक दे दे, हम इस बात को मान जाएंगे दुगुनी हो जाएगी। परंतु ये प्रोपगंडा है, इस देश के जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं इससे झूठा प्रधानमंत्री आज तक पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में नहीं हो सकता जी। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे सर? आप कह रहे थे हरविंद शर्मा जो कि मनीष गरोड़ के बारे में कहता अगर कोई आँख उठा कर देगा उसकी आँख निकालेंगे, वो काम मर गया था अरविंद शर्मा। जब खट्टर ने परशुराम का बर्छा लेकर नैन काट रहा था पंडित जी की, तब काम मर गया था, भूल गया वो दिन? अरे ये वो लोग हैं जानबूझकर इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसे हम भाई भी, हमारी कौमी जात किसानी है, हमारी जाति किसानी है, हम सबकी किसानी जात है, और इनका साफ तौर से कहना है कि वो हर हाल में अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। अब देखना ये होगा कि कुछ ही घंटों के बाद आखिरकार किस प्रकार से आंदोलन नया रूप लेता है और क्या किसानों की मांगे पूरी होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम वैसो के साथ अजय लोहान, बिंदास रैना।